खबर चंपावत से है, जहां वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय टमटा पर क्षेत्र और कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें, लोहाघाट में हुई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सांसद अजय टमटा पर क्षेत्र और कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उपेक्षा करने का गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने 9 साल के कार्यकाल के दौरान सांसद टमटा ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए और इसके विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया है, न ही वह क्षेत्र के भ्रमण पर आते हैं। कार्यकर्ताओं ने आगे कहा कि सांसद के द्वारा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा की जाती रही है, जिसका असर पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। सांसद से क्षेत्र की जनता भी काफी नाराज है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद की किस उपलब्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता से वोट मांगने जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा कि सांसद टमटा को अपनी इस कार्यप्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बात की भी शिकायत की, भाजपा प्रदेश मंत्री व जिला प्रभारी विकास शर्मा से भी शिकायत की। क्षेत्र की जनता में भी सांसद टमटा के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने कहा कि सांसद की शक्ल तक लोग भूल चुके हैं। सांसद टमटा अपनी उपलब्धियों में पीएम मोदी के ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को गिनाते हैं, जबकि उनके द्वारा क्षेत्र में कोई भी विकास स्थानीय स्तर पर नहीं किया गया है और न ही वो कभी क्षेत्र के दौरे पर नजर आते हैं। जनता से मिलने की बात तो दूर है। लोगों ने कहा कि सांसद सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर जीतते हुए आ रहे हैं और उनकी अपनी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है। लोगों ने कहा कि अगर 2024 में अजय टमटा लोकसभा के दावेदार बनते हैं या उन्हें टिकट मिलता है तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार बार पीएम मोदी के नाम पर जनता उन्हें वोट नहीं करेगी। भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और जनता की शिकायत को हाईकमान और सांसद टमटा तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद जरूर क्षेत्र के दौरे पर आएंगे और अभी चुनाव में 1 साल का समय बचा हुआ है, इस दौरान वो क्षेत्र के भ्रमण के दौरान लोगों से मिलेंगे। कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात रखी है, कुछ कार्यकर्ताओं का शायद सांसद जी से संपर्क नहीं हो पाया होगा, लेकिन सांसद जी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार और जो कार्यकर्ता है, जैसे आज वरिष्ठ कार्यकर्ता आए थे तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ हमारा भी संवाद नहीं हो पा रहा था, तो आज पुनः हम लोग सब बैठे हैं और एक दूसरे को जोड़ के और उनके साथ फिर जुड़ेंगे और सांसद जी भी आएंगे सबके साथ, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पहुंचेंगे, सबको लेके चलेंगे और सभी लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, क्योंकि सांसद महोदय को लगातार दिल्ली में भी रहना पड़ता है और भी पार्टी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भेजती रहती है, तो सब कार्यकर्ता लगे हैं और हम लोग इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के दम पर पुनः 2024 को हम विजयी होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। देखिए, जनता से भी जो योजनाएं हमारी लगातार हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और अभी भी इस महीने में हम लगातार उन योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर सांसद महोदय जी से कुछ क्षेत्र के लोग अगर हैं ऐसी इस प्रकार से हैं तो उन क्षेत्र में भी सांसद महोदय पहुंचेंगे। अभी 1 साल बचा हुआ है और वहां तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे और ये जनता की जो आवाज है आपके माध्यम से भी और मैं भी इस बात को संगठन के माध्यम से अपने सांसद महोदय तक पहुंचाऊंगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर चंपावत जिले में सांसद अजय टमटा के खिलाफ इस समय जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां से मुसीबत खड़ी कर सकता है। यूपी न्यूज 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।